बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे भाई खैर हरियत से होंगे और अपना काफ़ी सारा ख्याल रख रहे होंगे। जनाब, काफ़ी दिनों बाद वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाई गई है और काफ़ी सारी मसरूफियात थी जिनकी वजह से वीडियो नहीं बना सके। आज जनाब 27 फरवरी है 2022 और आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं माल जो है वो बन रहा है, साथ गाड़ी लगी हुई है और साथ जो जनाब माल की तैयारी भी, मेरे पीछे काफ़ी सारा माल भी आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी सारा जो तुड़ी या स्टॉक जो हैं वो अभी चल रहे हैं और जितना भी स्टॉक्स हैं हमारे पास तकरीबन वो सेल हो चुके हैं। ये सिर्फ जिनके ट्रॉले थे वो ट्रॉले डे बाय डे जो हैं वो उनको डिस्पैच किए जा रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा जनाब आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी थी। कुछ दिन पहले मैंने एक पिक्चर जो है वो ग्रुप में अपलोड की थी जिसमें सिंगल ठप्पी लोडिंग के बारे में बताया गया था। ये जनाब पेट्रोलिंग के और जो हमारे यूनियन है गाड़ियों वाली जो जिसमें सारे अड्डे वगैरह आते हैं उन सब की जनाब ये मिली राय के साथ जनाब ये चीज़ जो है वो डन की गई है कि सिंगल ठप्पी के ऊपर लोडिंग होगी। इसमें वज़न जो है वो एक्सपेक्टेड है 500 से लेकर 600 मन तक जो है वज़न वो गाड़ी में आएगा। कैरिज क्या होगा, कैरिज डिपेंड करता है कि यकम को जो जब ये गाड़ियाँ लगेंगी तब पता चलेगा कि कैरिज में कोई कमी आई है या कैरिज जो है वो अपनी जगह पे ही सेम रहा है और लोडिंग में जो है वो कमी आई है। तो इसका एक जो फ़ायदा है वो ये होगा कि एक तो ये पूरे पाकिस्तान में जो है इसका कानून जो है वो बनाया गया है और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो डिलीवरी है वो तेज़ी से हो जाएगी। मतलब जो गाड़ी पहले 2 दिन में पहुंचती थी या 3 दिन में पहुंचती थी वो 1 दिन में उधर गाड़ी जो है वो पहुंचाई जा सकती है, बड़ा इजी हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है ये वक्त के साथ साथ अगर इसमें कुछ चेंजिंग आती है तो वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको जो है वो गायब गाय अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा जनाब एक और चीज़ है, इस साल हमने एक और मशीन जो है वो उसका इजाफा किया है अपने प्रेस पे, तो इंशाल्लाह नए सीज़न पे आपको उस मशीन की भी जो है वो रनिंग वीडियो भी मिलेगी। और इसके अलावा जनाब माल की जो तरसील है वो पहले से तेज़ होगी, जो दिन में एक ट्राला लगता था अब 2 ट्राले लगे करेंगे। तो उस हिसाब से जिनका 4-5 दिन बाद का ऑर्डर होता था वो 1-2 दिन में जो है वो इंशाल्लाह डिलीवर कर दिया जाएगा। बड़ी स्पीड के साथ इस साल इंशाल्लाह जो है वो माल डिलीवर किए जाएंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।